बहुत गर्म है, बहुत स्पेशल। आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश, एंड आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ड्रम रोल प्लीज, किचन गैजेट्स। लास्ट टाइम जब मैंने टेस्टिंग किचन गैजेट्स की वीडियो करी थी, वो आप सबको बहुत पसंद आई थी। तो इस मंथ भी मैंने 5 किचन गैजेट्स ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं, जो कि बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं, एंड आई कांट वेट टू फाइंड आउट वेदर दे वर्क और नॉट। सो जो फर्स्ट किचन गैजेट है वो एक बहुत ही ज़्यादा फैंसी एंड एलैबोरेट कार्टून केक मशीन है। तो इट्स बेसिकली लाइक अ ग्रिलर या वॉफल मशीन, और इसके अंदर जो मोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुकिंग कार्टून कैरेक्टर्स और फेसेस जैसे चूहा बिल्ली पिग टाइप्स इसमें बनाया गया है। एंड इट्स अ स्लाइटली एक्सपेंसिव गैजेट, ये मुझे 4100 का मिला है, बट आई थिंक अगर ये वर्क करता है तो इट कुड मेक फॉर अ ग्रेट गिफ्ट, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो। तो मैंने इसको प्री हीट कर लिया है और ग्रीस कर लिया है, एंड आई थिंक ये गर्म हो गया है काफ़ी। यूजली वॉफल मेकर्स में ना वो होता है, वॉफल मेकर्स टोस्टर्स में इंडिकेटर होता है कि कब वो प्री हीट हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा फीचर इसमें नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग ये गर्म हो गया है, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वॉफल बैटर, बिकॉज इसका जो अमेजोन पेज है उस पर लिखा है कि ये वॉफल्स एंड पैनकेक्स के लिए भी है। चलो गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर द वॉफल्स टू कुक। इसका ये हैंडल भी काफ़ी गर्म हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट ता-ता-दा! बिफोर यू एक्चुअली टर्न इट, इसके जो अदर साइड वाला है उसको देखते हैं एक्चुअली में कि कैसा लग रहा है। ओ सो क्यूट। सो गाइज, आप कार्टून फेस केक्स आर रेडी। बिसाइज दिस क्रीपी स्माइली, आई थिंक बाकी सारे बहुत क्यूट लग रहे हैं, स्पेशली दिस कैट। सो आई थिंक द मशीन इज डूइंग इज जॉब प्रिटी वेल। मेरा बैटर थोड़ा डार्क था, बट अगर आप प्लेन वनीला बैटर से बनाओगे तो आई थिंक दीज आर गोना लुक सुपर अडोरेबल। थोड़ी एक्सपेंसिव है मशीन, बट अगर आपको लगता है कि इट्स रीजनेबल और वर्थ इट फॉर यू, आई वुड मोस्ट डेफिनेटली रेकमेंड गेटिंग इट। हमारा पहला गैजेट था अराउंड 4000 रुपीस का, एंड हमारा सेकंड गैजेट इज ओनली अराउंड 400 रुपीस, और ये है एक चुस्की मेकर। सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप चुस्की बोलते हो कि गोला। मैं शुरू से चुस्की बोलता हूँ, एंड मुझे याद है कि मैंने बहुत छुप छुप के खाई है आफ्टर स्कूल, बिकॉज मम्मी काफ़ी मना करती थी, बिकॉज वो कहती थी कि कौन सी पानी से ये आइस बनी है हमें नहीं पता, तो मत खाओ। आई विश तब मैं बोल सकता कि मम्मी फिर आप ही मुझे एक चुस्की मेकर ऑर्डर कर दो। तो अगर आप अभी स्कूल में और आपकी मम्मी आपको मना करती हैं, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे आइस, तो ये इन्होंने एक दिया था, इसके अंदर हमने पानी डाल के आइस जमाई है, इसको डाल देंगे इसके अंदर और इसको बंद कर लेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस, बट आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू इट। सो अनोइंग, सो कूल। आवाज बहुत गंदी है गाइस। सो कूल, ओ ये रेडी हो गया है। अब इन्होंने इसके साथ सिर्फ एक ही ग्लास दिया है फॉर सम रीजन। इसके अंदर हम पैक करेंगे हमारी आइस। मैंने ऐसे ऐसे देखा है उनको, वो ऐसे ऐसे करके इसके अंदर हम डालेंगे हमारी स्टिक, एंड अब हम इसको करेंगे डीमोल्ड। ओह सो कूल, मेरा फर्स्ट सेल्फ मेड चुस्की। एंड अब मेरे पास है थोड़ा सा काला खट्टा, विच इज ऑफिशियली द ओजी फ्लेवर, मेरा हमेशा से फेवरेट। और अब हम इसको डालेंगे इस चुस्की पे। अमेजिंग। मुझे पता है हमेशा से वो बच्चे बहुत इरिटेटिंग से लगते थे, जो भैया को बोलते थे भैया सारे डाल दो, सारे फ्लेवर्स, व्हाई कांट यू डिसाइड। एंड नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेस्ट दिस। ये जो एक सेकंड में मेरे चाइल्डहुड ड्रीम्स मेरे सामने शैटर हुए ना, क्वाइट लिटरली, आई डोंट नो, आई थिंक मुझे अभी ढंग से नहीं आता, मैं प्रैक्टिस करूँगा, बट आई लव दिस एक्सपीरियंस। आई थिंक अगर
किसी के पास कुछ टिप्स है टू हाउ टू मेक अ बेटर चुस्की, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. बट आई पर्सनली क्वाइट लाइक दिस मशीन, मतलब इट्स वेरी मतलब चीप, 400 rupees में यू कैन मेक चुस्की एट होम. आई क्वाइट लाइक इट एक्चुअली. आई एम गोना गिव दिस एन 8 out of 10. ट्राई 10 out of 10 जब मेरे को बेटर चुस्की बनानी आ जाए. गाइज, चुस्की तो इतनी अच्छी नहीं बनी, बट आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर माई बिग न्यूज विद यू, एंड दैट इज दैट आई हैव पार्टनर्ड विद स्किल शेयर टू ब्रिंग टू यू माई फर्स्ट स्किल शेयर ओरिजिनल. एंड टुगेदर वी हैव कम अप विद दिस फैंटास्टिक क्लास ऑन बेकिंग फॉर बिगनर्स. स्किल शेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विद थाउजेंड्स ऑफ इंस्पायरिंग क्लासेस टॉट बाई एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स फॉर एनीवन हू लव्स टू लर्न और वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी. In my Baking for Beginners class, we'll dive deep into the basics of baking and I'll teach you how to use a basic cake recipe to create 3 very exciting and unique desserts. Also, fun fact, India mein ye Skillshare ki first original culinary class hai and I'm so excited to be a part of it. So if you're somebody who loves baking or are just starting out in their journey, now is the perfect time to go check out my class by clicking on the link in the description box. First 1,000 people to click on my custom link will get 1 full month of free trial of Skillshare. This means unlimited access to my class and some other great classes. Skillshare is also an ad-free platform, which means that you can learn endlessly without any distractions. I can't wait to see you there. हमारा नेक्स्ट गैजेट इज अ चिप्सर, जो मुझे 855 rupees का मिला है, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेजिटेबल्स कट करने के लिए या फ्राइज़ बनाने के लिए, जो कि आज मैं करने वाला हूँ. तो मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है, इसको यहाँ पे डाल देंगे इसके बीच में, और अब हम इसको कर देंगे प्रेस. बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है. ओके, लुक एट दिस, आई क्वाइट लाइक दिस. थोड़ा हेक्टिक है बट इट्स क्वाइट कूल. यहाँ पर मेरे पास एक मूली भी है, इससे भी हम ट्राई करते हैं ये गैजेट टू सी कैसा वर्क करता है. इसके ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा शार्प है, सो इफ यू एंड अप गेटिंग दिस प्लीज बी केयरफुल. इसको भी कर देते हैं. ओ, ये थोड़ा इजीली हो रहा है. आई थिंक वो आलू प्रॉबेबली थोड़ा वो था. ओ वाओ, गैजेट काम कर रहा है, आपसे मेहनत पूरी करवाएगा, बट इट इज वर्किंग. सो आई एम गोना गिव दिस एन 8 out of 10. नेक्स्ट गैजेट इज दिस स्टैंड मिक्सर. मैंने लास्ट वीडियो में एक चीप स्टैंड मिक्सर टेस्ट किया था जो कि एपिक फेल था, एंड मुझे याद है उसको देख के मैंने कहा था कि ये घर घर प्रोमैक्स लग रहा है, बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी लग रहा है एज कम्पेयर्ड. और इसकी यहाँ पर एक बटन है जिसको प्रेस करके आप इसको लिफ्ट कर सकते हो. एक थोड़ा सा डस्टबिन बाल्टी टाइप्स बोल है इसका, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट स्टर्डी, एंड यहाँ पर हम इसके ब्लेड्स फिक्स कर सकते हैं. क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर, लाइक लिटरली मैं कुछ नहीं कर रहा उसको, मुझे बहुत डर लग रहा है. थैंक गॉड, ये जेन्युइनली आई गेस ये फाइनली हो गया है. अब इसमें लगाते हैं बाल्टी, इसमें हम थोड़ी सी क्रीम व्हिप करके ट्राई करेंगे. बटन दबा के इसको वापस नीचे कर लेते हैं. गाइस, ये मशीन बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, एंड मुझे लग रहा है मैं किसी फैक्ट्री में बैठा हूँ. मैंने लिटरली ऐसा पहले स्टैंड मिक्सर में देखा है जिसमें अगर आप स्टैंड मिक्सर को ऑन करो तो इसमें बोल रोटेट करने का ऑप्शन है. तो मतलब ब्लेड्स तो हिल ही रहे, साथ में बोल अलग रोटेट हो रहा है. फॉर व्हाट रीजन आई डोंट अंडरस्टैंड. गाइज, 10 minutes हो गए एग्जैक्टली बाय द स्टॉप वॉच. सर में दर्द हो गई है इसकी आवाज़ से, बट अभी भी क्रीम स्टिफ पीक्स पर नहीं आई है. तो ऑल द वेज कम्पेयर टू द लास्ट वन, दिस इज डेफिनेटली मच बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट इसका भी एफिशिएंसी टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. आप इससे अगर बैटर वगैरह बनाना चाहो तो मे बी ठीक है, बट ऑनेस्टली अगर जैसे क्रीम व्हिप करना है, कुछ करना है, तो आप अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिक मिक्सर से करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक गेटिंग दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड आई वुड रेट दिस गैजेट अ 5/10.
नेक्स्ट गैजेट है एक पाइनएप्पल स्लाइसर एंड कोरर। ये मुझे 350 रुपीस का मिला है एंड ऑनलाइन जो पिक्चर थी वो डिफरेंट है जो मुझे एक्चुअली डिलीवर किया गया है। बट टेस्ट करते हैं। मैंने पाइनएप्पल यहाँ से ऊपर से कट कर लिया है एंड इसके पीछे जो ब्लेड्स हैं इसको हम पाइनएप्पल के अंदर फिक्स करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट रोटेटिंग दिस इनटू द पाइनएप्पल। काफ़ी ईजिली हो रहा है एक्चुअली, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ रहा। इट्स और मतलब ऐसे बहुत ही स्मूथली वो बस अंदर जा रहा है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। ईजी टू यूज़ है ये गैजेट। अब ये घूमना बंद हो गया है, अब इसके बाद हमें इसको पुल करना है। सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट। निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। सो कूल, प्रॉपरली स्लाइस होके पूरा पाइनएप्पल आ गया है एंड अंदर ये बच गया है जो थोड़ा सा बचा है नीचे का एंड ये पूरा सा जो कोर है वो यहाँ पे रह गया है। थोड़ा थोड़ा आई कैन सी के छिलका भी आ गया है कहीं कहीं, बट आई थिंक दैट्स फाइन। ये वाला साइड इज पूरा प्रॉपर। सो गाइज, इसके बहुत ही प्रिटी पाइनएप्पल रिंग्स तो बन गए, बट नाउ द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज कि जो ऑनलाइन दिखाया हुआ था ना उसके साइड में तो बटन्स थे जिससे ये हैंडल रिलीज हो जाता एंड आप दूसरी तरफ से रिंग्स निकाल लो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वो बटन्स नहीं है एंड इसका जो टॉप है ये नहीं निकल रहा और इसके पैकेट पर इन्होंने नाइफ से रिंग्स कट करके निकाली हुई है। सो माय ओनली पॉइंट इज कि अगर मुझे प्रिटी रिंग्स चाहिए तो आपको इस गैजेट से नहीं मिलेगी। आप बहुत केयरफुली ऑर्डर करो जिसमें वो बटन्स है ना, यू नीड दोज बटन्स टू एक्चुअली रिलीज द हैंडल एंड टेक आउट द पाइनएप्पल रिंग्स। खाने के लिए ठीक है, लाइक टेक्निकली ये भी काम हो गया अच्छे से एंड रेडी हो गई है हमारे पास पाइनएप्पल स्लाइसेस, बट आई विश मुझे पूरी प्रॉपर रिंग्स मिल जाती। एक इस मुझे गैजेट का और डाउनसाइड लगा कि ये जो अगर आपके पाइनएप्पल बहुत पतला है तो ये वर्क नहीं करेगा। मुझे भी इतना चॉप ऑफ करना पड़ा था टू गेट इनफ सर्फेस एरिया के ब्लेड्स फिक्स हो जाए, बट बिसाइड्स दैट एफर्ट बहुत ज़्यादा लो है टू एक्चुअली कोर एंड स्लाइस द पाइनएप्पल विद दिस गैजेट। सो आई कैन गिव दिस अ 6/10। आज के गैजेट्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थे एंड आई एम ग्लैड कि कोई भी बहुत डिसअपॉइंटिंग नहीं था। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा किचन गैजेट सबसे एक्साइटिंग लगा एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश।